हरिद्वार का सांसद बने उमेश कुमार, उमेश कुमार। दो हजार 2027 में हरिद्वार की सरकार देहरादून से नहीं चलेगी, हरिद्वार से चलेगी। तो यह आप 2024 की बात कर रहे हैं, 2027 की? 24 को कोई बड़ा उद्देश्य मानता ही नहीं हूँ मैं तो जी। ऐसा चाह रहा आने वाले टाइम में उमेश कुमार प्रधानमंत्री बन जा, और मैं चाहता विधायक होंगे, सांसद भी होंगे। गद्दार कौन है? गद्दार वो है जिनके हाथों में आज तक सत्ता सौंपी गई, जिन्होंने विश्वासघात किया, वो गद्दार है। अब वो जो भी हो, हरीश रावत जी काम करेंगे तो वोट हरीश रावत जी को मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा। अब क्या काम करेंगे, काम वाम तो जो होना था हो चुका, अब तो चुनाव आ गया भाई। आगे ना, हम तो उमेश कुमार जी के साथ है खुले, अपनी होश में जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रहे हैं, और किसी भाई से भी आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, वोट बढ़िया मिलेगा। चुनाव लड़ना है लोकसभा का, विवाह करवा रहे हैं, चुनाव का अंजाम क्या होगा, लेकिन विवाह कराने का जो अंजाम है वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इतना भीड़, इतने लोग एक साथ एक जगह पर उपस्थित हैं। यहां से भी मैं कहूंगा कि एक बार जरा पूरा आगे तक दिखाइए ऊपर से कि लोगों की संख्या कितनी है। देखिए यहां पर साफ तौर पर आप भीड़ दे सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे की तरफ आए आप। साफ तौर पर लिखा हुआ है जनता विधायक उमेश कुमार जी द्वारा आयोजित 151 निर्धन अनाथ कन्याओं के सामूहिक विवाह स्थल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और देखिए भीड़ इतनी, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव के लिए इकट्ठा हो या विवाह के लिए, लेकिन इतने लोग इकट्ठा हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने आपसे साफ तौर पर कहा कि ये भीड़ शादी हो रही है 151 कन्याओं की, उन कन्याओं के विवाह के लिए। विवाह जो करवा रहे हैं वो खानपुर विधानसभा के विधायक करवा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि भाई कहां से कैसे, लेकिन इतने भीड़ को इकट्ठा करना भी अपने आप में बड़ी बात है। और बीजेपी कांग्रेस के लोग भी भीड़ को इकट्ठा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ तो आपको दिख रही है। क्या करो भैया? मैं यहीं पर आया हूँ जी। जी कहाँ से आयो? मैं आया हूँ लक्सर से। जी लक्सर से शादी वादी में आयो? किस में? जी किसकी शादी है? ये भाई की शादी है, भतीजे की। जी 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 कितने लोग आए वहाँ से? यहाँ से आए 30-35 है लगभग। जी जी कुछ कहना चाहोगे मन की बात? हाँ जी बहुत कुछ कहना चाहो, मैं बता दूंगा। उमेश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी है जी, इनसे पर कोई विधायक अब तक नहीं आया है और नहीं आने का। किसकी शादी में आए हो? 7 दिन में ऐसे आए, मतलब देखने के लिए आए, देखने के लिए। कैसा काम कर रहे हैं ये? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उमेश कुमार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सांसद के चुनाव में क्या करोगे जी? सांसद के चुनाव में क्या करोगे? उमेश कुमार का साथ देंगे जी, विधायक जी का, उमेश भाई का। ये जनसाल आप देख रहे हैं, आप कभी जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रहे हैं, हम अपनी होश में जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रहे हैं, और किसी भाई से भी आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हमने कभी जिंदगी में ऐसा विधायक, ऐसा नेता नहीं देखा। और दूसरी बात, हमारे बीच ये नेता जी आए हैं तो ये भी हमारा सौभाग्य है और हमारा नसीब है, जो हमारे क्षेत्र में ऐसे विधायक साहब जो आए हैं, जो गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी वे ऐसा सबका साथ देते हैं, सबका साथ देंगे, और आने वाले टाइम में चुनाव में भी जीत जाएंगे। इससे उमेश कुमार जी को कितना फायदा है? बहुत फायदा है जी, वोट बढ़िया मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ इसे लोग बहुत अलग कर रहे हैं, चाह रहे इसे लोग अलग कर रहे। हाँ अभी पार्टियों का टिकट फाइनल नहीं हुआ है तो उससे दिक्कत तो नहीं होगी? कुछ दिक्कत नहीं होने की, फिर भी लोग इसे ही चाहोगे। हाँ बहुत दिल से चाह रहे हैं इसे लोग। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस अगर मान लीजिए हरीश रावत जी को लेकर के आ जाए तो फिर भी यही रहेगा जी, आगे यही रहेगा, कहीं आप लोग जो है फिर चले जाओ? ना सब इधर ही रहेंगे जी, बहुत इधर ही रहेंगे, सब आदमी झुके पड़े हैं ईमानदारी से। हाँ बहुत अच्छे झुके पड़े हैं। झुकने का कारण क्या है? मतलब वोट देंगे सर, सपोर्ट करेंगे इसको। क्यों झुक रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर? काम अच्छे कर रहा है ना, जो भी कर रहा है काम अच्छे कर रहे हैं इसने। क्या काम अच्छा कर रहे हैं ये विधायक जी? क्या अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी? सारे काम अच्छे कर रहे हैं। तो
तो वोट जो है किसकी किसकी तरफ जाएगा, किसको दोगे वोट? विधायक जी को देंगे, विधायक जी को। किस चुनाव में? 2024 के चुनाव में जी। तो आप जो है अगर मान लीजिए कि भाई कांग्रेस कोई और प्रत्याशी लेकर के आ जाए, बसपा कोई और प्रत्याशी लेकर के आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? यहाँ कोई नहीं आएगा इनके अलावा। नहीं, ऐसा होता है कि भाई मान लो भाई कोई और कैंडिडेट खड़ा हो गया कांग्रेस और बीएसपी से, तब भी सपोर्ट नहीं करेंगे? जी नहीं। मोहम्मद सलीम का साहबजादा? बिल्कुल नहीं। सपोर्ट करने का कारण क्या इनको? नवाब अली का सपोर्ट इन्हें कर रहे हैं क्या? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप इन्हें? कारण आपके सामने है, आप खुद ही देख लो। आप भी तो आए हो, हम तो देख रहे, पूछ रहे ना आपसे, बता दो कौन सा कारण है। गरीब गरीब बच्चियों का निकाह करा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या कारण होगा? कहाँ से आए हो आप? भुक्कनपुर से जी। तो भुक्कनपुर से यहाँ पर किसी की शादी में आए हो आप, क्या करने आए हो? पोती की जी। कितने लोग आए वहाँ? उनसे आए जी कम से कम 250-300 आदमी। 250-300 लोग आए हुए हैं, तो ये काम बढ़िया करा रहे हैं उमेश कुमार जी? हाँ जी, बढ़िया कुमार है। क्या बनना चाहिए फिर इन्हें? हाँ जी, विधायक बनना चाहिए। विधायक तो है ऑलरेडी, ये सांसद। हाफ मैराथन की ट्रॉफी है। ट्रॉफी किस चीज़ का? हाफ मैराथन रनिंग की। हाफ जी, सेकंड प्लेस पड़ा था मेरा, मैं रनिंग की तैयारी करता हूँ, नेशनल प्लेयर जी। यहाँ यहाँ इसको लेकर के आ गए जी? उमेश कुमार जी के पास आया था इसके लिए। क्यों उनके पास क्यों आए थे? इनके पास इसलिए आया था, मजदूरी करता हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, तो बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, रिकवर नहीं हो पाती बॉडी इनके पास, इसलिए आया था थोड़ा रिस्पॉन्स मिल जाए तो मैं नेशनल में अच्छा खेल सकता हूँ। और किसी के पास नहीं गए? और किसी के पास नहीं गया, पहली बार इनके पास नहीं। और किसी विधायक और किसी सांसद और किसी नेता के पास गए? नहीं, और किसी के पास नहीं गया अभी तक, फर्स्ट बार में इनके पास। इनके पास आने का कारण क्या है? इनके पास आने का कारण ये है कि मैं अच्छा खेल लूँगा, अगर इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स कर दिया मैं नेशनल पे जा सकता हूँ, नेशनल के बाद आगे की भी तैयारी कर सकता हूँ इंटरनेशनल की रनिंग में। हाफ मैराथन मोहम्मद शहजान। अच्छा, तो ये जो है कितने लोग आए हो साथ में? हमारे साथ में है 30 से 35। शादी शादी तुम्हारी है ना? जी जी। दुखी क्यों? दुखी कहाँ, खुश है। आंखें आंखें थोड़ी सी नम नम लग रही है, क्या बात है? ऐसा नहीं, खुश है, सब खुश है। हाँ हाँ, ओके है बिल्कुल। कर रहे हो तो बंदा तो लगेगा ही दुखी है। शादी वाली बात आप सवाल ऐसा कर रहे हो, बंदा तो दुखी लगेगा ही। इस सिचुएशन में बंदा दुखी नहीं होता, इतना खुश होता है कि बहुत ज्यादा, वो अंदर ही अंदर खुश है, बाहर तो लगना ही दुखी है। मन की बात बता नहीं पाता जी, मन की बात जाहिर नहीं हो पाती। तो कब तक विवाह हो जाएगा भाई? हो गया जी, अभी निकाह आ रहा है ना, अभी नंबर आएगा फिर निकाह हो जाएगा जी। जब निकाह होगा इंशाल्लाह फिर अपना घर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, जो कर रहे हैं उमेश कुमार जी विधायक जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी तक कोई भी विधायक कोई भी नेता यहाँ पे आया इतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया जितना ये कर रहे हैं। एक बात बताओ, चुनाव में तो बीजेपी कांग्रेस हो जाता है यार, बीजेपी कांग्रेस बसपा सपा सब फंस जाता मामला, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? हाँ बताओ भाई, चुनाव में तो बीजेपी कांग्रेस बसपा सपा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वोट किसको दोगे फिर? देखो जी, वोट उसको देना चाहिए जो नेता पढ़ा लिखा हो, सोचा समझा हुआ हो। अनपढ़ नेता को वोट दोगे तो खुद भी अनपढ़ बन के रह जाओगे। अच्छा अच्छा नेता हो, कार्य करने वाला हो, जो हमारे साथ है हम उसके साथ है, बस सीधी बात। जो भी साथ होगा हम उसके साथ है, सही बात है। जैसे ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं गरीबों के हक में, वैसे जैसे काम कर रहे हैं हम इनको वोट देंगे, खुला वोट है हमारा उमेश कुमार जी के साथ। अगर मान लो कांग्रेस और बसपा ने किसी और को उम्मीद किसी और को खड़ा कर दिया, हरीश रावत जी मान लो कांग्रेस से आ जाए, फिर ऐसे कंडीशन? हरीश रावत जी काम करेंगे तो वोट हरीश रावत जी को मिलेगा, जो अच्छा काम करेगा। अब क्या काम करेंगे, काम वाम तो जो होना था हो चुका, अब तो चुनाव आ गया भाई। आगे ना, हम तो उमेश कुमार जी के साथ है खुले, बस जी उमेश के साथ है जी। हम तो पहले भी उमेश के साथ थे, अब भी उमेश के साथ है, और सबसे पहला गाँव में हमने बुलाया था ऐसा भुक्कनपुर धरौना भुक्कनपुर, सबसे पहला प्रोग्राम हमने रखा था इसका, और वह अल्लाह ने चाहता है विधायक होएंगे, सांसद भी होंगे, हाँ इंशाल्लाह सांसद भी होंगे। हाँ क्या कह रहे हो भाई मन की? अजय उमेश जैसा तो आदमी नहीं आना का धरती पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा काम किसी ने नहीं करा जैसा उमेश भाई ने करा। वो उमेश को हराने वाला कोई पैदा नहीं है, अच्छो अच्छो की वाट लगा देगा। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ये तो सामने ही दिख रहा, 151 नहीं करने का धरती पर उगने का ही नहीं ऐसा। और देखो जी मेरी बात सुनो, मेरा तो कहना है वोट और सपोर्ट दोनों चीज उमेश कुमार के साथ है। हाँ हर चीज तो, क्यों मैं तो जी ऐसा चाह रहा आने वाले टाइम में उमेश कुमार प्रधानमंत्री बन जा, बस सिद्धि।
सांसद तो बनी गए ये समझो, खुले तो उनकी साथ, पनियाले की वोट 12,500 हो, मैं तो मानता नहीं कोई एक ही वोट इधर से उधर हो जा। किसकी पे जाएगी? बिल्कुल खुला। कहाँ से आए हो? पनियाले से। सांसद बने उमेश कुमार, उमेश कुमार, एक ख्वाब है हरिद्वार की जनता का, हरिद्वार का सांसद बने उमेश कुमार, उमेश कुमार, भारत माता की जय। क्योंकि भीड़ इकट्ठा करना जो है भाई, पार्टियां भी कोशिश करती हैं कि भीड़ इकट्ठा कर लें, और भीड़ इकट्ठा कई बार नहीं हो पाता, मुश्किल होता है, आप इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हैं? ये लोग पैसे देकर मुर्गा मछली शराब बांटकर आए हुए लोग नहीं हैं, ये लोग दिल से आए हुए लोग हैं, और जब दिल से लोग आते हैं तो वो सैलाब कहलाता है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी लालच से किसी के बहकावे में आया हो, ये सब लोग मोहब्बत में आए हैं, और ये मोहब्बत की दुकान नहीं, मोहब्बत का पंडाल है। मोहब्बत की दुकान का मतलब यह है कि कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं आप? मैं कभी किसी को टारगेट नहीं करता। एक बात बताइए, एक बात आपने लिखी है कि भाई घर से निकलो और जंग लड़ो गद्दारों से। सही कहा मैंने। गद्दार कौन है? गद्दार वो है जिनके हाथों में आज तक सत्ता सौंपी गई, जिन्होंने विश्वासघात किया, वो गद्दार है। अब वो जो भी हो, हरिद्वार के मतलब जो भी नेता रहे होंगे एस्टेब्लिश्ड, या जो भी जनप्रतिनिधि रहे होंगे, वो जनता तय करेगी कि उनके साथ विश्वासघात किसने किया है। मतलब जो रहा है वो गद्दार हो गया? जो रहा है नहीं, जो है, जो भी है, जिन्हें जनता गद्दार कहती है, उनसे लड़ने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। और आपने कहा बिल्कुल, यह मान सम्मान की लड़ाई है अंत, ये हरिद्वार के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। इस बार हरिद्वार बचाने की लड़ाई है, ये हरिद्वार बचाने की लड़ाई है। 2027 में हरिद्वार की सरकार देहरादून से नहीं चलेगी, हरिद्वार से चलेगी। तो यह आप 2024 की बात कर रहे हैं या 2027 की? 24 को कोई बड़ा उद्देश्य मानता ही नहीं हूँ। 24 तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया, 24 तो जनता लड़ रही है, 24 तो हम जीत गए हैं, 27 की तैयारी शुरू हो गई। 27 की तैयारी शुरू, 24 की जो तैयारी है ये तो हमने सोचना बंद कर दिया, लेकिन जो हमारी तैयारी है वो अब 27 की है, और 27 में जो सरकार चलेगी उत्तराखंड की वो हरिद्वार से चलेगी, ये बात साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है। सही बात बोल रहे हैं उमेश कुमार जी? हाँ जी हाँ। वो ये बोल रहे हैं कि सरकार अब हरिद्वार से चलेगी, सही बात है? हाँ चलेगी जी, चलेगी, बिल्कुल चलेगी। कैसे चलेगी? या ऐसे चलेगी जैसे ये अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नेता तो कभी आया भी नहीं, आ तक आया भी नहीं है, और ना हम उम्मीद ना आने वाली भी बात नहीं होगी। अच्छा जी, तो ये सरकार या चढ़नी जरूर पड़ेगी और चलावेंगे। हाँ जी, ऐसे क्या होता है कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, भाई बीजेपी भी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, बीएसपी भी खड़ा करेगी, कांग्रेस भी खड़ा करेगी। पड़ी करो मारा यही है। अच्छा, आपका यही है? हाँ मारा यही है, उमेश कुमार है का मारा। अच्छा, उमेश कुमार जी किस पार्टी से आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा है जी? ये तो अन्य दलिया चल रही है, तो निर्दलीय कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, निर्दलीय कामयाब हो जाएगा। होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे हर हालत से। हाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं तो बात झड़ी थे यहीं से। अच्छा, यहीं से? हाँ। तो ये तय है, निर्दलीय लड़ लेंगे भाई ये? हाँ ये, हाँ ये निर्दलीय बनेंगे भाई साहब, निर्दलीय बनेंगे। हाँ जी, जिंदाबाद, बिल्कुल ओके। देखिए उमेश कुमार जी 151 दिनों का कन्नाव करा रहे हैं। उमेश कुमार जिंदाबाद। भाई सबके अपने मन की बात है, मैं कहूंगा पीछे की तरफ जा, देखिए इतनी भीड़, देखिए ये जो भीड़ तंत्र है ना, मैं कहा कि भाई लोकतंत्र को स्थापित करना है, लोकतंत्र एक नियम है, जिधर लोग ज्यादा जो हमारे सिस्टम राज और तंत्र उसी का चलेगा। देख रहे हैं हमारे, और पूरा ये भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों की संख्या आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उमेश कुमार जी एक बात कह रहे हैं कि बाहर निकलो और जंग लड़ो गद्दारों से। वो गद्दार कौन है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, कौन लगता है?
किसे इंडिकेट कर रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए, लिख करके बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।